अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है सातिर मुन्ना भाई। दरअसल 700 किलोमीटर दूर बिहार से आकर फर्जी तरीके से ये एग्जाम दे रहा था। डीएलएड की परीक्षा चल रही थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार से इसके तार जुड़े होने का खुलासा भी हुआ है। शहर की विश्वविद्यालय पुलिस ने मारतंड स्कूल में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई प्रमोद यादव को पकड़ लिया है। ये मुन्ना भाई 700 किलोमीटर दूर बिहार से आकर रीवा में डीएलएड की परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा चल रही थी। लव कुमार यादव की जगह पर प्रमोद यादव बेधड़क बैठा हुआ था, लेकिन जब पर्यवेक्षक ने हस्ताक्षर मिलान शुरू किया तो मुन्ना भाई की पोल खुल गई और लव कुमार यादव इस केंद्र में परीक्षार्थी था और इसकी जगह पर प्रमोद यादव परीक्षा देने साहूगढ़ बिहार से आया हुआ था। लव और प्रमोद यादव चचेरे भाई हैं, इनके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। लिहाजा पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि ये मुन्ना भाई तो नहीं है। पुलिस विश्वविद्यालय थाने में आवश्यक परीक्षा अधिनियम की धारा, पुलिस विश्वविद्यालय थाने में धारा 419, 465, 466, 468, 471 सहित आवश्यक परीक्षा अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये क्या मामला है? एक्चुअली आज मारतंड स्कूल में डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम थी, तो जहां पर लव कुमार पिता लाल यादव के स्थान पर एक इसका कज़िन ब्रदर था प्रमोद कुमार पिता कैलाश यादव, ये लोग बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, तो ये उसकी जगह पे एग्ज़ाम देते हुए इन्विजिलेटर द्वारा फॉर्ज सिग्नेचर की वजह से पकड़ा गया और चूंकि इनके तार बिहार से जुड़े हुए हैं और मामले की विवेचना जारी है। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।